तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फाइनली देखिएगा कि जो पर्टिकुलर 76% वाला आरक्षण मुद्दा है, अब इस पर बात जो है आर्य पार की हो गई है। क्या है सारा मजरा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। प्लस देखिएगा हमारे प्रदेश की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती है, जो कि हजारों की संख्या में आने वाली है, इसके संबंध में देखिएगा पर्टिकुलर विभाग के मंत्री साहब ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट वगैरह दिया है। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी डिटेल में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, इन समस्त बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी साथियों से माफी चाहूंगा। दरअसल देखिएगा आज का वीडियो काफी लेट हो गया है। दरअसल मैं रायपुर आया हूँ, बहुत जरूरी काम से आया हूँ, तो उसके वजह से देखिए चीज़ें थोड़ी सी लेट हो गई हैं। लेकिन जैसा हमारा प्रॉमिस रहता है कि आप लोगों को सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो अभी जारी रहेगा। चलिएगा आज के जो मुख्य मुद्दा है उस पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल ये संबंधित है प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती, जो कि हजारों की संख्या में आने वाली है, जिसके संबंध में आप सभी वेट कर रहे हैं। उसके संबंध में शुरुआती जानकारी वगैरह मिल रही है। साइड में देखिएगा कुछ न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं शो कर रहा हूँ, इसके आधार पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल ये संबंधित है स्कूल शिक्षा विभाग से। देखिएगा 12,489 पदों पर शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती पर क्या कार्रवाई वगैरह चल रही है, इसके संबंध में प्रश्न वगैरह इस पर्टिकुलर विभाग जो मंत्री हैं प्रेम सर, टेकाम सर, इनसे पूछा गया, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया बताता हूँ। इस पर विभागीय मंत्री ने कहा है कि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और इस बार देखिएगा जो भर्ती होने वाली है ये नए नियम कानून के साथ होगी, जिसके तहत देखिएगा सबसे पहले जिस शिक्षक की भर्ती जिस संभाग में होगी वह उससे बाहर नहीं जा सकेगा। प्लस देखिएगा जिस सहायक शिक्षक की भर्ती जिस जिले में होगी वह उससे बाहर नहीं जा सकेगा। दरअसल देखिएगा जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह जो है प्रीवियसली होते थे, उसको बंद कर दिया गया है। पहले बहुत चलता था, जो दूसरे संभाग का होता था वो किसी दूसरे संभाग के जो कर्मचारी है उसके बीच में म्यूचुअली ट्रांसफ़र करवा लेते थे या जिले में ट्रांसफ़र करवा लेते थे। अब वो चीज़ बंद हो जाएगा, आपको अपने ज़िले और संभाग में ही रहना पड़ेगा। इसके संबंध में बहुत बड़ी अपडेट मिली है। इसी के साथ देखिएगा इसी विभाग के एक और बहुत बड़ी भर्ती के संबंध में जानकारियाँ वगैरह मिल रही है। साइड में देखिए एक और न्यूज़पेपर कटिंग मैं आपको शो कर रहा हूँ, और उसके आधार पर डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल आगे चलकर जो है CGPSC के द्वारा ABO के 70 से ज़्यादा पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा। इस भर्ती को जारी करने के लिए विभागीय प्रक्रिया जो है तेज कर दी गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट है। चलिएगा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सी भर्ती वगैरह आगे जारी होंगी। लेकिन देखिएगा जैसे कि मंत्री साहब ने कहा है कि इन समस्त भर्तियों का भविष्य जो है 76% आरक्षण विधेयक की स्थिति स्पष्ट होने पर निर्भर है। तो आप लोगों को लगता है क्या कि इसकी स्थिति वगैरह आगे स्पष्ट होगी? दरअसल कुछ मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उसके आधार पर आप खुद डिसाइड करिएगा। क्योंकि देखिएगा जो शिक्षक भर्ती वगैरह है वो स्थानीय भर्ती होगी, वो जिले और संभाग के आधार पर होगी, और जो पर्टिकुलर विधेयक है 76% वाला उसमें कुछ क्लॉज वगैरह मेंशन है कि देखिएगा जो स्थानीय भर्ती वगैरह होंगी वह उस पर्टिकुलर जगह के आबादी के अनुसार होगी, यानी कि वहाँ पर जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना आरक्षण वहाँ पर मिलेगा, तो इसके आधार पर होगा। तो आप बताइए जो शिक्षक भर्ती वगैरह है मोस्टली बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए ही जारी होने वाला है, तो वहाँ पर देखिएगा किसी ने किसी वर्ग का कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह कम तो होगा ही होगा, तो क्या उस पर्टिकुलर वर्ग के लोग कोर्ट में जाएंगे नहीं? इसी के साथ देखिएगा अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो आरक्षण रोस्टर वगैरह आगे चलकर फॉलो होगा, यानी कि 76% वाला, जिसके अंतर्गत देखिएगा ST वर्ग को 32%, SC वर्ग को 13%, OBC वर्ग को 27% और EWS को 4% का जो आरक्षण मिलना है। इसके बाद भी देखिएगा कुछ वर्ग ऐसे रहेंगे जिनका कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह कम होगा, तो इसको लेकर भी आगे चलकर वो कोर्ट में जाएंगे। तो इतने सारे झंझट झमेले हैं, तो ये सबको देख के आपको लगता है क्या कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर हमारे प्रदेश में जो स्थिति वगैरह है बहुत आसानी से स्पष्ट होगी? बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, 101% है सारा मुद्दा जो है कोर्ट में जाएगा और बहुत लंबा खिंचाएगा। तो इसके लिए देखिएगा आप लोग की जो भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी देखिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो की हैं, अगर आप इनके PDFs वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उन समस्त PDFs को आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे।